हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो टी टू यक्स डिवाइस के अंदर आप इजी टच सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फोन में इजी टच सेटिंग कैसे यूज करेंगे, दोस्तों इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इजी टच से होता है कि जैसे आप अपने फोन में एक छोटी सी स्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप अपने फोन में यूज कर रहे हैं, अगर आपको इमरजेंसी में किसी को मैसेज करना पड़ जाता है या कोई एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ जाता है, आप क्या करते हैं वहां से बैक होते हैं या कट कर लेते हैं। तो आपको वहां से बैक नहीं होना होगा, ना ही आपको कट करना होगा। आपके फोन में एक छोटा सा एरो आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाएगी। उसके अंदर आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे और उसके अंदर आपके कुछ सेटिंग भी आप वहां पे ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएंगे और वहां से आप अपने एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे एक छोटे से स्क्रीन में। और आपको बैक नहीं होना, ना ही कट करना होगा। आपका जो छोटा स्क्रीन है उसके अंदर आपके एप्लीकेशन रहेंगे और वहां से आप उसको यूज करके किसी को मैसेज करना है या कोई और एप्लीकेशन यूज करना है तो वो सब सारी चीज़ें आप वहाँ से मैनेज कर पाएंगे और आपको अपने एप्लीकेशन को कट नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये सेटिंग काफ़ी अच्छा है, इसको आप इनेबल करके जरूर अपने फ़ोन में यूज़ करें। चलिए इसको कैसे इनेबल करना है, कैसे यूज करना है, अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लिया। आप देख रहे हो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, तो आपको उस पर क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे बहुत सारे सेटिंग आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है इजी टच, तो आपको उस पर क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे बहुत सारे सेटिंग आते हैं और यहाँ पे आप देख रहे जो हमारा इजी टच है यहाँ पे इनेबल है, तो हम इसको एक बार यहाँ पे ऑफ करेंगे। और जैसे इसको ऑफ करते हैं यहाँ पे आप देख रहे जो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होते, यहाँ पे आप देख रहे किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये काम नहीं करेगा। पहले आपको क्या करना है, इस बटन को यहाँ पे इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनलाइज्ड स्क्रीन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन है कौन से कलर के यूज करना है और यहाँ पे जो एरो आ रहा कौन सा यूज करना है, ये चीज यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे आपको पहले अपने एरो को डिसाइड करना है इस तरह से, आपको और आप एरो को यूज करना कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे आइकन्स आपको मिलते हैं, जिस कलर का जो डिजाइन आपको चाहिए यहाँ पे तीन चार आपको मिलते हैं, तो इसमें से आपको डिसाइड कर लेना जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से इसको कर लेना है। तो हम यहाँ पे ये वाला डिजाइन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा रोबोट है ये हमारे स्क्रीन पे आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई का ऑप्शन है, इसको अप्लाई कर लेना है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आपके फोन में यहाँ पे छोटा सा रोबोट आ जाएगा इस तरह से। और नीचे आपको मिलता है कस्टमाइज मेनू, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके एप्लीकेशन है यहाँ पे यूज करने हैं, कौन से एप्लीकेशन यूज करने या कोई आपके फेवरेट एप्लीकेशन है जिससे आपको ज्यादा मैसेज या ज्यादा यूज करते हैं उसको, तो वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपको लगभग 8-10 एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड होते हैं, यहाँ पे हम 2-4 एप्लीकेशन ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपके फोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे और आपको यहाँ पे चॉइस करना है कौन से 8-10 एप्लीकेशन है जिसको आप ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे फेसबुक यूज करते हैं ज़्यादा और व्हाट्सअप ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम अपने व्हाट्सअप को यहाँ पे ऐड करेंगे, व्हाट्सअप, यूट्यूब और भी सारे हैं जो एप्लीकेशन इस तरह से। और आपको जो भी एप्लीकेशन यूज करना है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से हम बैक होते हैं और यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आपको मिलता है ऐड क्विक टूल्स, दोस्तों यहाँ पे आप अपने सेटिंग को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ सेटिंग भी आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, उसको भी आप जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं अपने इजी टच से। तो आपके यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपके फोन के सेटिंग है यहाँ पे आ जाएंगे, जिस भी सेटिंग को आपको अपने इजी टच में ऐड करना है यहाँ से आपको क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलून, साइलेंट, यहाँ पे बैकग्राउंड, इस तरह के सारे सेटिंग जो आपके फोन में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कुछ टूल्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ से बैक हो जाते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक होना है और नीचे और भी सारे सेटिंग मिलते हैं जो आप एक एक सेटिंग करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल टैप, अगर आप अपने स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे वहाँ पे तो आपको जो यहाँ पे सेटिंग जो ऐड करेंगे इस पे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग यूज कर लेना है, आप अपने स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो वो सेटिंग आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको नहीं यूज करेंगे, अगर आपको इसको यूज करना है तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है होल्ड एंड स्लाइड साइडवेज, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं होल्ड एंड साइड डाउन, आप नीचे करेंगे प्रेस करके इसके बाद जो वहाँ पे सेटिंग आप यूज करेंगे उसको कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये 3-4 सेटिंग आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना, जो भी आपको यूज करना है इसके अंदर कर सकते हैं, एक एक सेटिंग यहाँ पे ऐड होगा। नीचे आपको मिलता है
ऑप्शन यहाँ पे कम देसी करने को, तो आप इसको कम देसी करेंगे, जो आपका रोबोट आया है या जो आपका आइकन यहाँ पे आएगा उसका जो लाइट है कम देसी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये कम देसी आपको दिखेगा नहीं, अगर कम कर देंगे तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो हाइड इन फुल स्क्रीन, आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो हाइड आफ्टर 3 सेकेंड, आपको इसको भी इनेबल कर देना है ताकि जो आपका रोबोट है वो 3 सेकेंड में आपके स्क्रीन से गायब हो जाए। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से मैनेज कर लेना है। चलिए इसको यहाँ से कट करते हैं और कैसे यूज करना है अपने स्क्रीन पे चलते हैं। इसको यहाँ से कट कर लिए हैं और हम किसी एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो हम अपने फ्लिपकार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे हम अपने फ्लिपकार्ट को जैसे ओपन कर लिए, आप देख रहे हो हमारा फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब हमें हमारा जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे है और हमें किसी को यहाँ पे मैसेज करना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए तो हमें क्या करना होता है, ऐसे बैक होना होता है या कट करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे अपने रोबोट पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी। ये छोटी सी स्क्रीन जो आ जाती है आपके फ़ोन में, तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन जो ऐड किए हैं यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ से आप देख रहे हो एप्लीकेशन आ रहा है जो आपने टूल से ऐड किया यहाँ पे आ रहा है, इसको आप किसी कोने में भी यहाँ पे रोक सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम जैसे किसी को मैसेज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे इस व्हाट्सएप पे अपने क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे जो हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन में आ जाता है। और यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप देखो जो हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे चल रहा है, अगर हमें किसी को मैसेज करना होगा तो यहाँ से हम मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे हमें मैसेज करना है तो हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप कर लेते हैं। कुछ भी यहाँ पे मैसेज हो यहाँ से आप इसको टाइप करके सेंड करेंगे, ये मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में इजी टच को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे एप्लीकेशन से मैसेज या कोई भी काम आपको करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आज को आप किस तरह से आपको अपने फ़ोन में इजी टच स्क्रीन यूज करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए।